ग्रीन एरो। इस वीडियो में हम ग्रीन एरो के कुछ अल्टरनेट वर्जन्स के बारे में बात करेंगे। अगर मैंने इस लिस्ट में कोई वर्जन को मिस कर दिया है तो वो आप मुझे कमेंट में बता दें। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये ग्रीन एरो अर्थ 11 से और इस अर्थ पे सारे कैरेक्टर्स के जेंडर रिवर्स्ड है। तो इस अर्थ पे ग्रीन एरो एक फीमेल है और उसका नाम है ओलिविया क्वीन। डेड आई, ये ग्रीन एरो का इवेल वर्जन है और कॉमिक में ऐसे दो कैरेक्टर्स है और ये दोनों अलग अलग यूनिवर्स से। फर्स्ट डेड आई है अर्थ 3 से और वो क्राइम सोसाइटी ऑफ अमेरिका का मेंबर है जो एक इवेल ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड डेड आई एंटी मैटर यूनिवर्स से। इस यूनिवर्स में डेड आई सुपर विलन टीम का मेंबर है और ये लोगों ने इसलिए टीम फॉर्म की ताकि वो और वेल्दी हो सके। अर्थ 15 ग्रीन एरो। इस अर्थ पे ऑलमोस्ट सारे साइड किक्स ने अपने मेंटर की जगह ले ली है तो इस अर्थ पे ग्रीन एरो रॉय हार्पर है। अमेलगम यूनिवर्स में ओलिवर के दो वर्जन है। फर्स्ट है क्लिंट आर्चर। ये कैरेक्टर हॉकर और ग्रीन एरो का कॉम्बिनेशन है। इसने अपने आर्चरी के स्किल्स टिबेट में डेवलप किए। सेकेंड है ओलिवर क्वीन। इसका सुपर हीरो नेम है गोलायत और ये ग्रीन एरो और गोलायत का कॉम्बिनेशन है। इसके पावर्स भी अलग है। ये अपने बॉडी के साइज को इंक्रीज कर सकता है। फ्लैश पॉइंट एरो। इस टाइमलाइन में ओलिवर ग्रीन एरो इंडस्ट्रीज का हेड है। ये विलेंस के एडवांस इक्विपमेंट चुराता है और मिलिट्री को बेचता है। इसकी खुद की आर्मी है जिसका नाम है ग्रीन एरोस। एक दिन एक फीमेल कुछ ग्रीन एरोस को मार देती है। रिवेंज लेने के लिए ओलिवर खुद ही से हंट करने लगता है और आगे हमें ये पता चलता है कि ये फीमेल और कोई नहीं उसकी बेटी है। ये ग्रीन एरो अर्थ 2 से और इस अर्थ पे इसकी ओरिजिन स्टोरी थोड़ी अलग है। इस अर्थ पे ओलिवर क्वीन फेमस हिस्टोरियन है और वो कई सारी चीज़ें कलेक्ट करता है। अपने कलेक्शन को क्रिमिनल से प्रोटेक्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम बोयन एरो हाथ में लेता है और आगे जाके बैटमैन से इंस्पायर होकर वो ग्रीन एरो की आइडेंटिटी अडॉप्ट करता है। इस यूनिवर्स में ग्रीन एरो 7 सोल्जर्स ऑफ विक्ट्री का फाउंडिंग मेंबर है। लॉन्गबो ग्रीन एरो। ये जो ग्रीन एरो का वर्जन है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग से इंस्पायर्ड है और ये कैरेक्टर गैंडाल्फ को रिसेंबल करता है। इस अर्थ पे गवर्नमेंट ने सारे सुपर हीरोज को इलीगल डिक्लेयर किया है सिवाय सुपरमैन के। ओलिवर इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है और इस प्रोसेस में वो अपना एक हाथ भी गवा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अब एरो कैसे शूट करता है। ओलिवर दांत और एक हाथ की मदद से एरो शूट करता है। ये बैटमैन के भी हेल्प करता है सुपरमैन के अगेंस्ट फाइट में जिसमें बैटमैन जीत जाता है। आगे इसे साइबरनेटिक आर्म मिलता है और ये बैटमैन की आर्मी ज्वाइन करता है। अमेजो एरो। जेएलए नेल इस कॉमिक में ओलिवर क्रिपल्ड है। अमेजो के साथ फाइट के बाद ये एक हाथ एक आंख और अपने दोनों पैर गवा देता है। इस इंसिडेंट के बाद ओलिवर को लगता है कि जस्टिस लीग एक एलियन ग्रुप है जो वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहते हैं। आगे ओलिवर के ब्रेन को अमेजो की बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं और फिर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करते हुए इसकी डेथ हो जाती है। तो ये थे ग्रीन एरो के कुछ अल्टरनेट वर्जन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।